हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिस्टर डॉक्टर सलमान फ्रॉम कुबरा हिजामा एंड लीज सेंटर। आज हम आपको बताना चाहेंगे लीज थेरेपी के बारे में। व्हाट इज़ लीज थेरेपी, क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। पहले तो हम इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये हेयर फॉल के लिए काम करती है, हेयर रीग्रोथ में काम करती है। इट इम्प्रूव द टेक्स्चर ऑफ द हेयर, बालों का टेक्स्चर इम्प्रूव करती है। प्लस क्या, ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है हेड पे। और ये हमारी स्किन की कोई परेशानी हो, स्किन प्रॉब्लम हो, उसमें काम करती है। जैसे कुछ लोगों के एक्ने हो जाते हैं, एक्ने के बाद मार्क्स रह जाते हैं, कि उन मार्क्स को रिमूव करने में भी बहुत अच्छा काम करती है। चेहरे पर टैनिंग हो या झुर्रियाँ या झाइयाँ आने लगती हैं, ये उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थेरेपी है। ये हमारे जो पैरों के अंदर सर्कुलेशन होता है, ऐसा है आजकल जो बीमारियाँ चल रही हैं जिनकी वजह से पैरों के अंदर दर्द रहना, लेग्स पेन इन द लेग्स रहना शुरू हो जाता है, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। वेरिकोस वेन्स होती हैं, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, हमारी खून का दौरान रुक जाता है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन इम्प्रूव करने का भी काम करती है, बंद नसों को खोलने का भी काम करती है। इनका जो सलाइवा होता है उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेज होते हैं, बायोमेडिकल सब्सटेंसेज होते हैं विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। जिसमें से एक लोग सो कभी कभी डोर सोचते हैं और ये डरते हैं कि लीचिस काटेगी, दर्द होगा और पेन होगा। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा, ये थेरेपी जो है बिल्कुल ही पेनलेस होती है, इसके अंदर पेन नहीं होता। लीच के सलाइवा में इंजाइम्स होते हैं विच वर्क एज ए एनेस्थेटिक। वो जब हमारे लीच अप्लाई करते हैं तो जब ये अपना सलाइवा एमिट करती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उस पर्टिकुलर हिस्से को नम कर देती है या वहाँ उस हिस्से को सुन कर देती है। वहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है और पेशेंट को पता नहीं चलता कि वहाँ पे कुछ है भी या नहीं। तो ये फिर भी आप ये थेरेपी, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसके अंदर जो लीचेज़ यूज होती हैं दीज आर मेडिसिनल लीचेज, ठीक है। इनको जो हम यूज़ करते हैं, दीज लीचेज आर सेपरेटली ब्रेड। पहले तो यह होता है कि लीचिस की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, इसमें से कुछ पॉइजनस भी होती हैं, कुछ नॉन पॉइजनस भी होती हैं। और ऐसा भी होता है कि कुछ लीचिस लोग क्या है, झोल में से पकड़ लिए या पानी में से पकड़ के या दरिया में से पकड़ के ऐसे ही लगा देते हैं। तो ऐसे ताल्लुक के अंदर क्या होता है, ऐसी चीज़ों के अंदर क्या होता है, पेशेंट को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। क्योंकि क्या है कि जब वो किसी तालाब में या कहीं की हम पकड़ी हुई लीच अप्लाई करेंगे, तो वो उससे पहले किस जानवर का खून पी रखा है, किस चीज़ का उसने खून पी रखा है या क्या चीज़ है, वो गंदगी के अंदर है, तो ऐसी लीचों से इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। अच्छा, कुछ ऐसी लीचीज़ भी होती हैं विच आर पॉइजनस, ठीक है। तो जो हम ब्रीड यूज़ करते हैं डेट इज़ प्रॉपरली सेफ, टोटली सेफ होती है, उसके अंदर कोई ऐसा खतरा नहीं होता। और जो हम लीचीज़ यूज़ करते हैं, दीज लीचीज़ आर सेपरेटली ब्रेड, इनकी ब्रीडिंग ही सेपरेट कराई जाती है, इन्हें कभी जंगली वातावरण के अंदर छोड़ा ही नहीं जाता, इनको मेडिसिनल पर्पज़ के लिए सेपरेटली ब्रेड किया जाता है, ठीक है। तो इन लीचेस को हम अप्लाई करते हैं अपने पेशेंट्स पे। दूसरी बात ये कि जो हम लीचेस अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर हम अपने सभी पेशेंट के सेपरेटेड बॉक्सेस मेंटेन करते हैं, सबके सेपरेट बॉक्स मेंटेन किए जाते हैं। कि ऐसा नहीं कि किसी की भी लीच हमने उठाई और किसी के भी लगा दी, नहीं। आने से बाद सेंटर में जो लीच थेरेपी के लिए पेशेंट आते हैं, उनके पहले सेपरेट बॉक्सेस मेंटेन किए जाते हैं, उनके बॉक्सेस बनाए जाते हैं, उनके फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ उस पर लिखा जाता है। उसके बाद उनकी लीचेस निकाली जाती हैं, अप्लाई की जाती हैं, रिमूव करने के बाद उनको वॉमिट कराया जाता है, उसके बाद उन लीचेस को रखा जाता है। तो ये चीज़ इतना लंबा मुझे बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग चाहे कहीं भी लीच थेरेपी लें, बट लीच थेरेपी शुड बी डन अंडर मेडिकल सुपरविजन, और इसे प्रॉपर डॉक्टर के अंदर ही, आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंदर आपको ये थेरेपीज लेनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर जो इन एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, इसके अंदर के एक साइड इफ़ेक्ट छोटा सा ये भी होता है कि जब लीच ब्लड को सक करके हट जाती है, तो जो इनके सलाइवा में एंटीकोगुलेंट सब्सटेंसेज होते हैं, वो उस हिस्से के अंदर फैल के खून के रुकने की ताकत को ख़त्म कर देते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग की पावर को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से उस हिस्से से 2-4-5 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए हमें पर्टिकुलर जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, उन्हें देख के लीच लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं पर किसी नस के ऊपर लीच लगा दें और पेशेंट की ब्लीडिंग रुके ही नहीं। तो इसके अंदर हमें बहुत बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है और हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर तवज्जो देनी पड़ती है कि हम ऐसे पॉइंट्स देखें जहाँ से पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिले और मिनिमम उसको लॉस हो। और फिर उसके बाद हमें मैनेज किस तरह करना है, जो ब्लीडिंग हो रही है तो उसको मैनेज किस तरह करना है, तो बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर ख्याल रखा जाता है। हमारा सेंटर जो है ये दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस सेंटर है, ठीक है। इन लीच थेरेपी यू कैन गूगल अस, ये हम गूगल पे भी है कुबरा हिजामा लीच सेंटर के नाम से, और आप हमें सर्च भी कर सकते हैं। हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पे भी आप देख सकते हैं, जो हमारी प्रीवियसली वीडियोस हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियोस हमने अपलोड कर रखी हैं, आप वो सब चीज़ें भी देख सकते हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको यही समझाना चाहूँगा कि और लीच थेरेपी के फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं।
वो नुकसान भी आप फ़ायदे में किस तरह बदल सकते हैं कि आप जो जहाँ भी आप लीच थेरेपी कराएं, दे शुड बी एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर होने चाहिए और दे शुड नो हाउ टू ट्रीट पेशेंट आफ्टर लीच थेरेपी, क्योंकि आफ्टर लीच थेरेपी भी बहुत सारी ब्लीडिंग होती है कभी कभार, तो उस ब्लीडिंग को किस तरह रोकना है, किस तरह पेशेंट को ट्रीट करना है। बाकी इसका अगर आप प्रॉपरली इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो लीच थेरेपी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसके साइड बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं और कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज़ नहीं होती। जो चेहरे पे हमारे दाग धब्बे पड़ जाते हैं उन सबको भी ख़त्म करने में फ़ायदा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।